23 साल पहले साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म नायक में अनिल कपूर को शिवाजी राव के रोल में लोगों ने काफी पसंद किया था। अब ऐसी चर्चा है कि इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। इस चर्चा के बीच बॉलीवुड के उन दो खान एक्टर्स के बारे में जानते हैं जो इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे। जी हाँ, अनिल कपूर को फिल्म बाद में ऑफर हुई थी। कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम सब ने टीवी पर खूब देखा है, इतना देखा है कि उसका एक एक सीन हम सबके दिमाग में बसा हुआ है। एक ऐसी फिल्म है साल 2001 में रिलीज हुई नायक, जिसमें अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे। उन्होंने पर्दे पर शिवाजी रॉय का किरदार निभाया था, जो कि एक पत्रकार से एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है। उस रोल में अनिल को लोगों का काफी प्यार मिला था, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि उस किरदार के लिए अनिल पहली पसंद थे ही नहीं। दरअसल इस बारे में एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने खुद बताया था। दरअसल डायरेक्टर एस शंकर ने पहले ये फिल्म आमिर खान और शाहरुख खान को ऑफर की थी। जी हाँ, मेकर्स पहले इन दोनों में से किसी एक को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। इस फिल्म को एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। एक इंटरव्यू में वो भी इस बारे में बता चुके हैं कि आमिर और शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए थे। दरअसल एस शंकर ने एक दफा एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख ने ये फिल्म इसलिए नहीं की थी क्योंकि साल 2000 में ही फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर का रोल किया था और नायक में भी वो वैसा ही रोल नहीं करना चाहते थे। आमिर के बारे में शंकर ने बताया था कि उनके और आमिर के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था। उस फिल्म में अनिल कपूर के साथ साथ दूसरे सितारों ने भी बढ़िया काम किया था। अमरीश पुरी निगेटिव रोल में दिखे थे और उनका किरदार काफी असरदार था। रानी मुखर्जी अनिल के ऑपोजिट नजर आई थी। बहरहाल अब ऐसी चर्चा हो रही है कि इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। दूसरे पार्ट को सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस करने वाले हैं। देखते हैं ये पार्ट पहले जैसा कारगर रहता है या नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।